इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर एक फैक्ट्री में जो है आग लग गई है। आपको बताते चले कि फैक्ट्री में भीषण आगजनी देखने को मिला है। तो गर्म पट्टी के एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब तक आग पर नहीं काबू पाया गया है। हालांकि दमकल विभाग की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे पहले भी 2013 में फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। हालांकि अभी तक तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इसके पीछे का कारण क्या है जिसकी वजह से वहां पर आग लगी है। मोदी नगर क्षेत्र की निवाड़ी रोड का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर दमकल की टीम मौजूद है। 10 गाड़ियां दमकल की पहुंची है। स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अनुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई है। इससे पहले भी 2013 में फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी और आज जिस तरह से वहां पर भीषण आग लगी है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों की वजह से आग लगी है। मोदी नगर क्षेत्र की निवाड़ी रोड का ये पूरा मामला है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार वहां पर दमकल की टीमें मौजूद हैं। रात की पूरी घटना बताई जा रही है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें हैं। अफरा तफरी के माहौल वहां पर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुब्बार दूर दूर तक देखने को मिला। आग लगने का कारण जो है अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे पहले भी 2013 में फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। भीषण आग लगी है। सहयोगी यात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यात्रा 2013 में भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी और एक बार फिर से कुछ वैसी तस्वीरें देखी जा रही है। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? गाजियाबाद के मोटीनगर इलाके में ये फैक्ट्री है और यहाँ पर लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आवाजाही कर रही है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से आग बुझी नहीं है। ये एक फैक्ट्री है, मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो बनाती है, क्रैप बैंडेज उस चीज की फैक्ट्री है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि फैक्ट्री में जो आग लगने का कारण है वो आखिर क्या है, लेकिन दमकल की जो गाड़ियां हैं लगातार मौके पर है और आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। अभी जो जानकारी पाया है वो ये है कि पिछली बार भी छठी आग लगी थी। हालांकि बजे के कारणों का खुलासा बुझने के बाद ही पता चल पाया। फिलहाल जो फायर अधिकारियों का कहना है आग को बुझाने का। ठीक है यादरन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दमकल की टीम वहां पर मौजूद है, लगातार आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। तो मोदी नगर गाजियाबाद का ये पूरा मामला।